हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से एक बार फिर आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। तो लास्ट टर्म तक हम कमर्शियल सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे और अब मैं अपना पहला प्राइमरी सेल का एग्जांपल, जिसको मैं बोल रही हूँ ड्राई सेल, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो प्राइमरी सेल में कौन सा सेल आता है? प्राइमरी सेल में हमारा आता है ड्राई सेल। ड्राई सेल एक तरह का क्या है? ड्राई सेल एक तरह का प्राइमरी सेल है। ठीक है, प्राइमरी सेल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसका यूज़ हम अगेन एंड अगेन नहीं कर सकते, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक ही बार होती है, रिवर्स नहीं होती, तो ऐसा सेल कहलाता है ड्राई सेल। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ड्राई सेल जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है लैक्लांशी सेल का। इट इज़ एन कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लैक्लांशी सेल। ये लैक्लांशी सेल का क्या है? एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है? प्राइमरी सेल है, जिसमें अगर मटेरियल एक बार फिनिश हो गया देन आप अगेन एंड अगेन इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक बार अगर इनके अंदर के मटेरियल का कंसंट्रेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ड्राई सेल से हमको जो वोल्टेज मिलता है, क्योंकि ड्राई सेल क्या है? एक तरह का कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलता है, ठीक है, वो कितना मिलता है? 1.2 से 1.5 तक, 1.25 से लेकर 1.25 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक हमें इतना वोल्टेज, इस रेंज का वोल्टेज इस ड्राई सेल से ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्लियर दैट? तो ड्राई सेल प्राइमरी सेल मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ड्राई सेल की। तो ड्राई सेल हमारा एक तरह का क्या है? ड्राई सेल का कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर की। तो हम यहाँ पर एक जिंक का कंटेनर लेते हैं, ये हमारा जिंक का कंटेनर है, ZN कंटेनर इसको बोलते हैं हम। तो ये हमारा एक जिंक का कंटेनर हमने लिया है। जिंक का कंटेनर किसकी तरह वर्क करेगा? एज एन एनोड वर्क करेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी भी सेल के अंदर, मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी भी सेल के अंदर एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब बात कर रहे हैं हम एनोड की, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा। क्लियर दैट? तो हमने जिंक का कंटेनर जो है ये एनोड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद में जिंक के कंटेनर के अंदर ये आपको एक रॉड दिख रही होगी। ठीक है, ये रॉड काई की है? ये रॉड है ग्रेफाइट की रॉड। ठीक है, ये आपकी है ग्रेफाइट की रॉड। तो ये जो ग्रेफाइट की रॉड है, ये ग्रेफाइट की रॉड वर्क करेगी एज एन कैथोड। ग्रेफाइट रॉड इसको हम कह रहे हैं, ग्रेफाइट रॉड ये वर्क करेगी कैथोड की तरह। मतलब यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड वो पोजीशन होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होगा तो यहाँ वो, ये वो पोजीशन है कैथोड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गेन होंगे। बाकी का रिमेनिंग जो हमारा पार्ट बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम फिल करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन पाउडर।
ठीक है, ग्रेफाइट रॉड के आसपास सराउंडिंग में, सराउंडिंग ऑफ ग्रेफाइट रॉड में हम यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन पाउडर फिल कर रहे हैं, ठीक है। और रिमेनिंग जो बचा हुआ स्पेस है हमारा, रिमेनिंग जो बचा हुआ स्पेस है सेल का, उसके अंदर पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है, बाकी का रिमेनिंग जो बचा हुआ स्पेस रहेगा वहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2, ठीक है, क्लियर दैट। ऊपर ये पिच एक हमने बना दी है जिसे पूरा सेल कवर हो गया है, और यहाँ ऊपर रहता है एक मेटल कैप ताकि एयर या फिर मॉइस्चर अंदर ना जा पाए। तो ये पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है जिंक कंटेनर विच वर्क एज एनोड, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो ये जिंक का कंटेनर हो गया। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमने एक ग्रेफाइट की रॉड डिप करी जो कैथोड की तरह वर्क करेगी। बाकी का ग्रेफाइट की रॉड का जो सराउंडिंग स्पेस है वहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन पाउडर हम फिल कर देंगे, एंड रिमेनिंग जो बाकी का बचा हुआ स्पेस है वहाँ पर पेस्ट होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, जो एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वर्क करेगा, ठीक है। और ऊपर हमने एक मेटल पिच लगा दी और एक मेटल कैप जिससे पूरा सेल कवर हुआ ताकि मॉइस्चर या फिर एयर अंदर ना जा पाए। तो ये पूरा ड्राई सेल आपका होता है, ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। जिंक कंटेनर, ग्रेफाइट रॉड, मैग्नीज ऑक्साइड, कार्बन पाउडर, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मेटल कैप एंड पिच। अब यहाँ पर जो हमारा ड्राई सेल होता है वो किस तरह से वर्क करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनोड की, एट एनोड, एनोड पर कौन है, जिंक, ठीक है, क्लियर दैट। तो एनोड पर जिंक है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। कौन रिमूव करेगा, जो जिंक कंटेनर है वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। तो जब एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो किस तरह से रिएक्शन होगी, ध्यान दीजिए, देखिए। तो एनोड पर रिएक्शन होगी, जिंक टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे जिंक ने एनोड से, ठीक है, और कन्वर्ट हो गया Zn+2 में। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, इनने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं और जिंक कन्वर्ट हो गया है Zn+2 आयन्स में, ठीक है, ये एनोड पर रिएक्शन हुई। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ कहाँ पर जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड वो पोजीशन होगी जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। तो सबसे पहले एनोड पर हमने जिंक को लिया और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे और Zn+2 आयन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनोड की रिएक्शन हुई। अब हम बात कर रहे हैं कैथोड की, ठीक है, एट कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पर किस तरह से रिएक्शन होगी, कैथोड पर हम किसकी बात करें, कैथोड पर कौन है, ग्रेफाइट की रॉड, ग्रेफाइट की रॉड वो पोजीशन है जहाँ पर रिडक्शन होगा। मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले ही बता दिया, आप बेसिक में जाकर देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन मतलब कि क्या, रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहाँ पर रिडक्शन होगा, और सेल के अंदर कैसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें कैसे होती हैं, एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं। तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली देन इट इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो कैथोड की हम बात कर रहे थे, कैथोड पर रिडक्शन होगा, ठीक है, बट रिडक्शन कौन करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कैथोड पर रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड और यहां से कौन, अमोनियम, मैग्नीज ऑक्साइड और यहां से कौन रिएक्शन करेगा, अमोनियम, अमोनियम मतलब NH4+, ठीक है। तो ये जो मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम है ये बैलेंसिंग के लिए इसके आगे हम क्या लगा दे रहे हैं, 2, ठीक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम, मैग्नीज ऑक्साइड एंड अमोनियम, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको कैथोड पर क्या करेंगे, गेन करेंगे,
यहाँ से जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे थे, अब यही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव होंगे, ठीक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम ने क्या किया, ये टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, ठीक है। और जब इन्होंने ये टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगी, ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन को, कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमोनियम है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि ये 2NH3 में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम का कन्वर्जन अमोनिया में हो गया, ठीक है। अमोनिया में होने के बाद में हमको ये पता है कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन गए, तो हमारे पास में रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हमेशा आप अच्छे से जानते हो कि एक ऑक्सीजन को लेकर जाता है, तो अमोनिया के साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, मतलब कि H2O बनेगा, हाइड्रोजन 2 हो गए और 1 यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, तो ये बन गया आपका H2O। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से एक ऑक्सीजन गया तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा, मैग्नीज कितने बचे, मैग्नीज 2 बचे, तो Mn2 और ऑक्सीजन 4 में से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ गया तो बचे 3, तो Mn2O3, क्लियर दैट। तो ये रिएक्शन कहाँ पर हुई, ये रिएक्शन हुई कैथोड पर, जबकि एनोड पर क्या हुआ था, जिंक ने बस 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था एनोड पर, ठीक है, तो Zn+2 बना था। अब कैथोड पर मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, गेन करे, तो अमोनिया बनी, H2O बना और Mn2O3 बना। अब इसकी अगर मैं लिखती हूँ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन किस तरह से होगी, देखिए जिंक यहाँ पर से किसने रिएक्शन करी, 2MnO2 प्लस उसके बाद में 2NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और एरो 2NH4 पॉजिटिव के बाद में क्या बचेगा, Zn+2 उसके बाद में प्लस 2NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3, ये मेरी रिमेनिंग रिएक्शन, जो ओवरऑल रिएक्शन जो एनोड पर भी हुई और कैथोड पर भी हुई, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम आपने इलेक्ट्रॉन्स को तो शो ही नहीं करा, इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं किया, तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए गए, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको ओवरऑल रिएक्शन में नहीं लिखा जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में केवल LHS वाला पार्ट हम लेते हैं और RHS वाला पार्ट लेते हैं, तो LHS में जिंक था, MnO2 और अमोनियम था, और RHS वाले पार्ट में Zn+2, NH3, H2O और Mn2O3। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हुई किसकी, ड्राई सेल की। लेकिन क्या होता है, जब ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन होती है तो लास्ट में जो निकलती है उसको हम कहते हैं अमोनिया, ठीक है, यहाँ पर ये अमोनिया बची हुई है। तो ये अमोनिया का जो नेचर होता है वो एक्सप्लोजिव नेचर होता है, मतलब कि अगर ये सेल के अंदर रही तो सेल क्या हो सकता है, सेल ब्लास्ट हो सकता है, जो आपका ड्राई सेल जो टीवी रिमोट वगैरह में लगाते हैं वो एक तरह से ड्राई सेल ही होता है। तो अगर अमोनिया का जो नेचर होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, और अमोनिया अगर यहाँ पर फ्री फॉर्म में रही तो आपका जो सेल है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया होती है, ये अमोनिया क्या करती है, ये जो जिंक आयन जो हमारे एनोड पर निकले थे, जिंक आयन Zn+2 आयन, ये अमोनिया इन जिंक आयन्स के साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिससे अमोनिया फ्री फॉर्म में नहीं रह पाती और इसका जो एक्सप्लोजिव नेचर था वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो अमोनिया थी ये क्या करेगी, ये इन जिंक आयन से क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखिएगा, जिंक NH3 का होल 4 और ऊपर चार्ज हो गया +2, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो अमोनिया यहाँ से निकली थी, लिब्रेट हुई थी, वो अमोनिया इस जिंक आयन से मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग सिखाई थी, तो उसमें टेट्रा NH3 को बोलते हैं अमाइन जिंक सेकेंड आयन,
यह इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है, ठीक है, जो अमोनिया और जिंक के कॉम्बिनेशन से हमको कॉम्प्लेक्स मिलता है, उसका नाम होता है टेट्रा अमाइन। मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं पहले वाली वीडियोस के अंदर, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग सिखा रखी है कि सबसे पहले केटायन देखते हैं, तो केटायन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो अब लिगेंड के नंबर कितने हैं, 4, देन टेट्रा NH3 विच मीन्स अमाइन, ठीक है। मेटल के लिए ले लेंगे जिंक, ठीक है, जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2 आएगी, एंड देन ऊपर चार्ज है इसलिए यहाँ पर आयन। तो यहाँ पर आपका नाम बना टेट्रामाइन जिंक सेकेंड आयन। तो जब आपका ड्राई सेल की फाइनल रिएक्शन होती है, उसमें जो जिंक है वो इस अमोनिया से रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से इसका एक्सप्लोजिव नेचर ख़त्म हो जाता है। और ये कितना वोल्टेज देता है हमको, 1.25 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक, ठीक है, क्लियर दैट। एक छोटा सा रिवीजन वापस से करते हैं कि सबसे पहले तो ड्राई सेल क्या होता है, एक प्राइमरी सेल होता है जिसका हम बार बार अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन देखिए, एक कंटेनर लिया, वो कंटेनर जिंक का कंटेनर जो एनोड की तरह वर्क करेगा या ऑक्सीडेशन करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। फिर ग्रेफाइट की रॉड, ठीक है, जो कैथोड की तरह वर्क करेगी, इसके आसपास सराउंडिंग में हमने मैंगनीज ऑक्साइड कार्बन पाउडर लिया, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट ले लिया। रिएक्शन एनोड पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा। कैथोड पर रिएक्शन मतलब रिडक्शन होगा, मैगनीज ऑक्साइड और अमोनियम जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे उसको गेन करेंगे, तो अमोनिया बनेगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचेंगे, वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O एंड MN2O3, देन ओवरऑल रिएक्शन, और अमोनिया ने लास्ट में किसके साथ में, जिंक के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो ये आपका पूरा ड्राई सेल था जो कि प्राइमरी सेल है। अब अगली वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी सेल का एक एग्जांपल, एक सेल करवाने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।